हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और पाइथन का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, विच इज फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब कि हम एक नंबर, हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, हम एक यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे और उस नंबर का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करके उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेके। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 का फैक्टोरियल मैथ्स में हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ना हमारा, उसको हम मैथ्स में फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे और 4 से लेकर 2 तक या फिर 1 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 4 के फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फैक्टोरियल लगा वो होगा 2 3 6 6 4 24। ठीक है, तो ये हमारा 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 के फैक्टोरियल को 5 से लेकर हम 1 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, 3, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120। ठीक है, 5 के फैक्टोरियल का। तो ऐसे हमारा होता है फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, 10 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 10 ऐसे 9, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, मल्टीप्लाई 1 तक, और फिर जो उसका आंसर आएगा वो हमारा होगा 10 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो इसका हम प्रोग्राम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 0 का फैक्टोरियल होता है ना, लेट से 1 का, अगर मैं यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करूँ, 1 का फैक्टोरियल, तो 1 को तो सिर्फ 1 से ही, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो 0 का फैक्टोरियल होता है, जो 0 का फैक्टोरियल होता है उसका आंसर भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? ठीक है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ये मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, ये एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है या फिर मैथमेटिक्स का फैक्ट है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, ये मैं किसी और वीडियो में अपने चैनल पे ही इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, उसमें मैं समझाऊंगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको मान के चलो कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, और अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो 0 का फैक्टोरियल आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा प्रोग्राम और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक क्या होता है कि कैसे हम करते हैं, ठीक है, कैसे हम करते हैं फैक्टोरियल को फाइंड, उसका लॉजिक क्या होता है। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो यहां पे हम करेंगे क्या, ठीक है जी, यहां पे हम करेंगे क्या, लेट से हम यूएस से एक नंबर एंटर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे और उसमें लेट से यूजर ने यहाँ पे 5 यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, यूजर ने 5 एंटर किया और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो 0 है या 1 है, तो उसका जो फैक्टोरियल है वो 1 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ कंडीशन के थ्रू, इफ नम, यहाँ पे इफ नम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और नम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो, जो फैक्टोरियल प्रिंट हो वो 1 प्रिंट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर जो नंबर है वो 0 या 1 नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि एल्स पार्ट में, ठीक है, एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, जिसमें हम, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, लेट से एम मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने 1 असाइन करवा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 असाइन करवाऊंगा तो 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आंसर आता जाएगा, तो हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 से इसमें 1 असाइन करवाऊंगा तो जिस भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा फिर वो हमारा उतना ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपका समझाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया,
यूजर ने 5 एंटर किया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं एक लूप चलाऊंगा, क्योंकि हम एक हमें एक एक करके 1 से लेकर या फिर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा वो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मैं 1 से, चलिए 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर इस नंबर तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा फॉर, ये मैंने ठीक है, ये मैंने दूसरा सी लैंग्वेज वाले फॉर का मैंने सिंटेक्स ले लिया था, लेकिन पाइथन में ऐसे नहीं होता फॉर। तो यहां पे लूंगा फॉर, लेट से हम एक और वेरिएबल लेंगे, लेट से एन, ठीक है, अभी तक हमने एन नहीं लिया है ना, हाँ, तो यहां पे लूंगा एन, फॉर एन, यहां पे लिखूंगा इन रेंज, क्योंकि हम एक एक करके नंबर्स को इनक्रीज करेंगे, ठीक है। रेंज फंक्शन होता है हमारे पास पाइथन में, यहां पे हम कहां से लेकर स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर, क्योंकि हमें 1 से लेकर इस नंबर तक जाना है मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा नम में क्या है, 5 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा नम प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे मैंने 1 क्यों किया, क्योंकि फॉर में जो हम लास्ट वाली वैल्यू देते हैं उससे एक वैल्यू कम तक हमारी जो लूप है वो चलती है, इसलिए हमें 5 तक लूप चलानी है, तो यहां पे इसलिए मुझे यहां पे नम प्लस 1 यहां पे देना पड़ा, ठीक है। और यहां पे मैं इसके अंदर यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहां पे लिखूंगा एम, ठीक है, एम में हम क्या असाइन कराएंगे, एम इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। और यहां पे फॉर लूप के बाद यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे एम को, मैं अभी आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं कि कैसे चलेगा। फॉर लूप के बाद हमने यहां पे एम को प्रिंट करवा दिया, तो ये कैसे चल रहा है, लेट से मैंने नम में 5 एंटर किया, ठीक है, और एम में हमारे पास क्या है, 1 है, तो जब ये यहां पे लूप में आएगा, लूप में आएगा, सबसे पहले एन में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहां पे एम में क्या साइन हो जाएगा, एम इंटू एन, एम में क्या है, 1 है, एन में भी सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो एम में क्या साइन हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यहां पे अब 2 आ जाएगा, एन में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एम में क्या साइन होगा, एम इंटू एन, अब एम में क्या है, पहले का रिजल्ट क्या था, 1 था, एन में क्या है, 2 है, तो एम में यहां पे क्या साइन हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा, एम में क्या साइन हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, एन में क्या आएगा, 3 आएगा, अब एन एम में क्या साइन हो जाएगा, 2 इंटू 3, एम में क्या है, 2 है, एन में क्या है, 3 है, ठीक है। तो एम में क्या साइन होगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 यहां पे साइन हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, अब एम में क्या होगा, एम इंटू एन, एम में क्या है, 6 है, एन में क्या है, 4 है, ठीक है। तो एम इंटू एन क्या होगा, 6 इंटू 4 क्या होगा, 24, तो एम में 24 असाइन हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे एन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 24 क्या आएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एन में क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लूप है वो कहाँ तक चलेगी, 5 तक ही चलेगी, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, रेंज की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारी जो एम में वैल्यू है विच इज 120 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये था लॉजिक हमारे प्रोग्राम का। अब चलिए प्रोग्राम को बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर, इसमें यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल को क्रिएट करूंगा, ठीक है। जैसे हम करते हैं फाइल को क्रिएट करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, फाइल का नामकरण करेंगे, और उसके बाद उसमें हम यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दी, तो यहाँ पे मैं इसका नामकरण करूँगा विच इज़ फैक्टोरियल डॉट पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फैक्टोरियल डॉट पी वाई, पहले से ही फाइल एग्जिस्ट करती है, चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे मैं यूजर से एक नंबर एंटर करवाऊंगा, नम, ठीक है। और इसको सबसे पहले हमें इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट में लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट से एम, उसमें क्या असाइन करवा देंगे, उसमें हम 1 असाइन करवा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ num is equal to 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे num is equal to 1,
ठीक है, नम इज इक्वल टू वन। और हम यहाँ पे एक वैल्यू और एक एक काम और करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि यूजर कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं एंटर कर रहा, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नम इज लेस देन जीरो, ठीक है, इफ नम इज लेस देन जीरो देन यहाँ पे क्या प्रिंट हो, प्रिंट एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, या फिर एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यूजर जो है वो जीरो भी कर सकता है, ठीक है, जीरो भी जो यूजर है वो जीरो भी एंटर कर सकता है, ठीक है जी। और यहां पे इफ में हम ये लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा एल इफ, ठीक है जी, एल इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो और नंबर इज इक्वल टू वन, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल जीरो और वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। तो यहां पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, वन प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है जी। लेकिन अगर यूजर ने जीरो और वन भी नहीं एंटर किया तो यहां पे एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, यहां पे हम लूप चलाएंगे फॉर, यहां पे मैं लिखूंगा फॉर यहां पे एक और हम लेंगे वेरिएबल लेट से एन, फॉर एन इन रेंज, यहां पे कहां से लेकर कहां तक चलाएंगे, वन से लेकर नम प्लस वन तक, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, अभी मैं दोबारा से इसको नहीं समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, वीडियो को दोबारा से देखो और आपको फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा एम इज इक्वल टू एम इंटू एन, ठीक है, एम इज इक्वल टू एम इंटू एन, और यहां पे लूप से बाहर आकर हम यहां पे प्रिंट करवा देंगे, लूप से बाहर आकर हम यहां पे प्रिंट करवा देंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहां पे एम की वैल्यू को हम यहां पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है जी। तो आई थिंक इतना ही है, ठीक है जी। चलिए इसको अब करके देखते हैं हम रन, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ m इंटू इज इक्वल टू n, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड इसकी नोटेशन है, ठीक है। अगर आपको, मैंने इसलिए ऐसे इसको ऐसे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो हो सकता है कि किसी को ना भी समझ आता, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करके इसको हम यहाँ पे रन करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर दूं, लेट से माइनस टू मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, तो ये बोलेगा देखिए एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको, मैं इनपुट को नीचे लूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई जीरो, अब मैं यहाँ पे जीरो एंटर करूंगा, ठीक है, जीरो एंटर किया तो ये देखिए फैक्टोरियल इज वन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे वन एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फैक्टोरियल इज वन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है, जीरो और वन से ग्रेटर नंबर, लेट से यहाँ पे मैंने सिक्स एंटर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसका आ रहा है फैक्टोरियल इज 720, ठीक है। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेना कि सिक्स का फैक्टोरियल क्या हो रहा है। अगर मैं फाइव को करूं तो यहाँ पे इसका फैक्टोरियल आ रहा है 120, ठीक है जी। तो ये है हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।